नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। शाम के 7 बज गए हैं और अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी की मुख्य खबरों का। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। हल्द्वानी में नैनीताल रोड स्थित वॉकवे मॉल के पास निर्माणाधीन नहर का आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी की ओर से सुस्त गति से किए जा रहे कार्यों पर कमिश्नर दीपक रावत ने अपनी कड़ी नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इसके कार्य को शुरू हुए काफी समय हो गया है, लेकिन अभी तक इसे पूरा नहीं किया जा सका है। साथ ही नैनीताल रोड की एक तरफ की सड़क बंद है, जिससे ट्रैफिक को भी काफी दिक्कत हो रही है। ऐसे में उन्होंने सख्त लहजे में आगामी 30 अगस्त तक सड़क को खोलने के निर्देश दिए हैं। कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज एमबीबीजी कॉलेज में आज उस वक्त विवाद की स्थिति बन गई, जब छात्र नेता प्रचार्य से नए छात्रों की सुविधा के लिए प्रवेश प्रक्रिया की समय सीमा को बढ़ाने की मांग करने लगे। तमाम छात्र प्रचार्य से मिलने पहुंचे और दूर दराज के उन छात्रों का हवाला दिया जो मौसम खराब होने की वजह से प्रवेश प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं कर पाए। ऐसे में प्रवेश लेने की समय सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए, मगर इस बीच सूत्रों की माने तो प्रचार्य और छात्रों के बीच तनातनी का माहौल बन गया और प्राचार्य ने एक छात्र को थप्पा मार दिया। इधर प्राचार्य डॉ एनएस बनकोटी ने छात्र को थप्पड़ मारने की बात से इनकार किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बात महज अफवाह है, किसी के ऊपर उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा है। हल्द्वानी और उसके आसपास पिछले लंबे समय से प्रॉपर्टी डीलर अवैध कॉलोनियां काटकर अपनी जेब भर रहे हैं। साथ ही रेरा एक्ट का उल्लंघन कर अवैध कॉलोनियां बनाकर धड़ल्ले से जमीनों को ठिकाने लगा रहे हैं। ऐसे में जब डीएम नैनीताल ने पूरे मामले की जांच कराई तो प्रॉपर्टी डीलरों का सारा खेल खुल गया। अब रेरा एक्ट का अनुपालन कराने और केवल शपथ पत्र पर निर्भर न रहकर तहसील से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद रजिस्ट्री किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मच गया। वहीं जिलाधिकारी वंदना सिंह ने रजिस्ट्री न होने की बात सीधे से खारिज करते हुए कहा कि जिले में किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री में रोक नहीं है। हल्द्वानी के ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों गुलदार का आतंक बना हुआ है। ये मामला कटघरिया के गांधी आश्रम के पास का बताया जा रहा है, जहां पर गुलदार सुबह के समय रिहायशी इलाकों में घूमता हुआ नजर आया। बता दें कि गुलदार की वीडियो सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हो गई है। साथ ही तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे गुलदार दीवार के पास से गुजर रहा है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो सुबह के 6 बजे का बताया जा रहा है। साथ ही स्थानीय लोगों ने बताया है कि गुलदार आसपास के कई जानवरों को अपना शिकार भी बना चुका है। वहीं हल्द्वानी से एक हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सड़क हादसे में घायल हुए व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें कि जानकारी मिल रही है कि मालिया फार्म निवासी धर्मेंद्र सिंह चौधरी, जिसकी उम्र 34 साल बताई जा रही है, जो 10 दिन पहले गोरखपुर से बाइक पर सवार होकर अपने घर की ओर आ रहा था, लेकिन तभी तीन पानी के पास एक पिकअप ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे धर्मेंद्र सिंह चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद उन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 16 अगस्त की रात को उनकी मौत हो गई। फिलहाल हल्द्वानी की मुख्य खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।